सारा काउंटिंग स्थल है उसको हमने पूरी तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा के चक्र में इसको हमने रखा है। हमारा इसमें सबसे पहले जो आइसोलेट फैमिलीज है जहाँ पर हमारी काउंटिंग हॉल है उसको हमने CAPF से कवर किया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो जनपद के बाहर से आई हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसके बाद का जो हमारा सेकंड कॉर्डन है उसमें हमारी PAC और CAPF हमने लगाई है जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखी। उसके बाद वाला जो घेरा है जो 300 मीटर पे एक बैरिकेडिंग है, 100 मीटर पे दूसरी बैरिकेडिंग है, उसके बीच में भी हमारी CAPF की मोबाइल पार्टी, PAC, हमारी जिला पुलिस और तमाम हमारे अन्य प्रकार की फोर्सेज यहाँ उपलब्ध रहेंगी। हमारे छतों पर ड्यूटी रहेंगी, कुछ लोग हमारे बैनिकुलर के साथ में निगरानी करेंगे, गंगा नियंत्रण के साथ में हमारी टीमें क्यूआरएस बनी हुई है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम रखी गई है, फायर टेंडर लगाया गया है और सबको बड़ी अच्छे से ब्रीफ करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कोई भी किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था के लिए कोई अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। और लगातार जो हमारे एजेंट आएंगे, जो हमारे कार्मिक आएंगे, उनको हमें फैसिलिटेट करते हुए सकुशल यहाँ मतदान मतगणना के केंद्र तक पहुँचाना है और उनको अपने गंतव्य तक जाने में मदद करनी है। रूट के बदलाव को लेकर क्या इंतजाम किया गया, जो यहाँ सिर्फ नेपाल और बहराइच और गोंडा के लिए जो वाहन जाते हैं उनके रूट के बदलाव में क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जो हमारा मतगणना का केंद्र है ये हमारा इसी रास्ते के हाईवे के नज़दीक आता है, तो जैसा कि हमने डायवर्जन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको ये डायवर्जन जो हुए बता दिए गए हैं कि इस रास्ते पे उस दिन, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश है, वो परिसर जो है उसको नो मैन्स लैंड बनाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा मूवमेंट जो इस गणना से संबंधित ना हो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी सूचना हमने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध करा दी है। और इसको इन्फोर्स कराने के लिए सभी कट्स पे हमारे बैरियर रहेंगे, हमारे ट्रैफिक के कॉन्स्टेबल और इंस्पेक्टर रहेंगे और ये पूरी तरीके से इंश्योर कराया जाएगा कि ये रास्ता हमारा साफ रहे